टॉपिक फोर कंपोजिट स्कीम या कंपोजिट लेवी। कंपोजिशन स्कीम एक्चुअली में गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप अगर रजिस्ट्रेशन यानी थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गवर्नमेंट ने आपको कुछ रिलैक्सेशन दिया। जिन लोगों की टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है, अगर आप सर्टेन स्टेट्स में हो, स्पेशल कैटेगरी स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, अगर आप इन स्टेट में हो तो आपकी 75 लाख से अगर कम की गुड्स की सेल है और आप इनको छोड़ के अदर स्टेट्स में हो तो आपकी 1.5 करोड़ यानी 150 लाख से कम की सेल है तो आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेने का फायदा, आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, आपको इनपुट्स की कोई डिटेल रखनी नहीं पड़ेगी, आपको क्वार्टरली GST पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। जनरली कंपोजिशन स्कीम सिर्फ गुड्स के लिए, सर्विस के लिए भी है। अगर आप 50 लाख से कम की सर्विस बेच रहे हैं तो ये आपके लिए है। तो 1.5 करोड़ से कम का गुड्स बेच रहे हैं इन वेरियस स्टेट्स, 75 लाख से कम का गुड्स बेच रहे हैं इन सर्टेन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, और अगर 50 लाख से कम की सर्विस बेच रहे हैं तो आपके लिए कंपोजिशन स्कीम है। लेकिन कंपोजिशन स्कीम की बुराई ये है या लिमिटेशंस ये है कि आप केवल गुड्स विद इन द स्टेट या सर्विस विद इन द स्टेट बेच रहे हैं तो ही आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं तो आपके लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं है। कंपोजिशन स्कीम ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए नहीं है, चाहे आप विद इन द स्टेट बेचें चाहे दूसरे स्टेट में बेचें, यानी इंटर स्टेट बेचें या इंट्रा स्टेट बेचें। और कंपोजिशन स्कीम में आप अपने कस्टमर से यानी अपने बायर से, रिसिपियंट ऑफ गुड्स से GST का एक भी पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते, आपको अपनी जेब से आउटपुट GST पे टैक्स देना पड़ेगा, और आप ITC भी क्लेम नहीं कर सकते, यानी इनपुट क्लेम भी नहीं और आउटपुट भी अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो ये कुछ बुराई है कंपोजिशन स्कीम की। कंपोजिशन स्कीम पढ़ने के पहले हमको 2 डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, और ये डेफिनेशन न केवल कंपोजिशन स्कीम बट अदर पार्ट्स में भी एप्लीकेबल हो। वो 2 डेफिनेशन क्या है, एक है एग्रीगेट टर्नओवर, यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपकी टर्नओवर कितनी है, सेल कितनी है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में आपको 4 चीज इंक्लूड करनी है, ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग RCM, ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग RCM, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एंड इंटर स्टेट डीम डेस्टिनेशन दैट इज सेम पैन नंबर ऑल इंडिया बेसिस। आपका अगर सेम पैन नंबर है और आप डीम डेस्टिनेशन में यानी अपने ब्रांच में अदर डिपार्टमेंट में सामान भेज रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स एंड सर्विस का, एग्जेम्प्टेड सप्लाई है या फिर आपकी टैक्सेबल सप्लाई है अदर देन RCM, इन चारों को ऐड करके आपकी एग्रीगेट टर्नओवर देखी जाएगी, यानी इन चारों को टोटल करके आप वो 1.5 करोड़, 75 लाख या 50 लाख देखोगे। सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई 1.5 करोड़, 50 लाख या 75 लाख क्रॉस कर रही है तो आपके लिए कंपोजिशन स्कीम की बात नहीं कर रहा हूँ, चारों को इंक्लूड करके आपको देखना पड़ेगा क्या आप 1.5 करोड़ या 75 लाख या 50 लाख के नीचे हैं तो आपके लिए कंपोजिशन स्कीम। और यही डेफिनेशन आपके काम आएगी, आप रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है वो थ्रेशोल्ड लिमिट वाले पर्पस के लिए भी यही एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन। इन चारों को ऐड करके देखना पड़ेगा आपका टर्नओवर कितना होगा। वैसे ये एक और डेफिनेशन है टर्नओवर इन स्टेट्स, यानी आपकी विद इन द स्टेट कितनी टर्नओवर है, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में टैक्स लगेगा आपका केवल और केवल जो आप स्टेट में माल बेच रहे हो उस पर, क्योंकि इंटर स्टेट में तो कंपोजिशन स्कीम है ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था इसकी लिमिटेशन में कि सिर्फ विद इन द स्टेट माल बेचेंगे तो आपको कंपोजिशन स्कीम अलाउड है वरना नहीं। अगर आप दूसरे स्टेट में बेच रहे हो तो कंपोजिशन स्कीम नहीं है। तो आपकी टर्नओवर इन स्टेट कितनी है,
वो भी डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। देखिए डेफिनेशन सेम है, सेम डेफिनेशन, ओनली पॉइंट डी में जो ऑल इंडिया वर्ड यूज हुआ है, इंटर स्टेट डीम डेस्टिनेशन दैट इज ऑफ सेम पैन नंबर ऑल इंडिया बेसिस, वो ऑल इंडिया बेसिस नहीं होके सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट की बात होगी, बात बाकी सब कुछ सेम है डेफिनेशन का। वही ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये तीनों इंक्लूड होगा, और डीम डेस्टिनेशन विद इन द स्टेट यानी आपके ब्रांच वगैरह में ट्रांसफर, इन चारों को जोड़ ले तो टर्नओवर इन स्टेट हो जाता है। कंपोजिशन स्कीम के रेट जो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने भी वाले हैं, आपकी कैलकुलेट जो होगी वो टर्नओवर इन स्टेट पे होगी। तो इसको हम लोग डेफिनेशन को याद रखेंगे, स्टेट में टैक्सेबल टर्नओवर का मतलब क्या है, या स्टेट में टर्नओवर का मतलब क्या है, और एग्रीगेट टर्नओवर यानी ऑल ओवर इंडिया में टर्नओवर का डेफिनेशन क्या है। एक और डेफिनेशन है एग्जेम्प्टेड सप्लाई। एग्जेम्प्टेड सप्लाई मतलब जिस पे जीएसटी नहीं लगता, इसका डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 ये बोलता है एनी सप्लाई विच अट्रैक्ट नील रेट यानी जीरो रेट, यानी उस पर जीएसटी तो एप्लीकेबल है लेकिन रेट जीरो है, उसको भी एग्जेम्प्टेड कहा जाएगा। होली एग्जेम्प्टेड मतलब रेट इज देयर बट एग्जेम्प्टेड बाय नोटिफिकेशन, जिन पे जीएसटी रेट तो है लेकिन नोटिफिकेशन से वो एग्जेम्प्टेड। और नॉन टैक्सेबल दैट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, लाइक पेट्रोल डीजल एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इन सब पे जीएसटी टैक्सेबल नहीं है। तो ओनली एग्जेम्प्टेड मतलब जिनको टैक्स तो है लेकिन गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे के रखी है, लेकिन नॉन टैक्सेबल मतलब जिन पे जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं। और नील रेट मतलब जीएसटी तो है लेकिन टैक्स की रेट जीरो है, तो वो भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई के डेफिनेशन में ही आएगी। अब आते हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, हम तीनों का एनालिसिस करेंगे, थ्रेशोल्ड कंपोजिशन एंड नॉर्मल। अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर हो, अगर आप कंपोजिशन स्कीम वाली लिमिट के अंदर हो, या फिर आप नॉर्मल हो मतलब कंपोजिशन स्कीम भी पार कर रहे हो। थ्रेशोल्ड की लिमिट कितनी है, 10 लाख 20 लाख या 40 लाख, सर्विस के केस में 10 लाख 20 लाख, गुड्स के केस में 20 20 40, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड ऑल के बारे में। कंपोजिशन की लिमिट है 1.5 करोड़, 75 लाख या 50 लाख, कंपोजिशन की स्कीम है 1.5 करोड़, 75 लाख या 50 लाख, नॉर्मल में ऐसी कोई लिमिट होती नहीं। टैक्स बेनिफिट, एंड अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर हो, टी माने थ्रेशोल्ड, सी माने कंपोजिशन और एन माने नॉर्मल, अगर आप थ्रेशोल्ड के अंदर हो तो नो टैक्स, अगर आप कंपोजिशन में हो तो 1% 5% या 6%, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या नॉर्मल ट्रेडर हो तो आप पे 1% जीएसटी लगेगा आपके सेल के ऊपर, टर्नओवर के ऊपर, टर्नओवर इन स्टेट के ऊपर। और अगर आप रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस दे रहे हो तो 5% लगेगा, और अगर आप सर्विस बेच रहे हो 50 लाख से कम की विद इन द स्टेट तो 6% जीएसटी का रेट होगा। तो 1, 5, 6 तीन रेट है कंपोजिशन, नॉर्मल में वो गुड टू गुड डिफर करेंगे। रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड वालों को लेनी जरूरी नहीं है, लेकिन कंपोजिशन और नॉर्मल वालों को लेनी पड़ेगी, कंपलसरी है। जो आप बिल बनाते हो थ्रेशोल्ड में, आप अपने हिसाब से कैसा भी बिल बनाओ अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर हो, लेकिन कंपोजिशन में जो बिल बनता है उसको बिल ऑफ सप्लाई कहते हैं, और नॉर्मल में उसको टैक्स इनवॉइस कहते हैं। आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने आप थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर हो, अगर आप कंपोजिशन में हो तो आपको लिमिटेड डेटा मेंटेन करने, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आप नॉर्मल में हो तो जितने प्रेस्क्राइब्ड है आपको सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़े। आप थ्रेशोल्ड के अंदर हो तो आप ITC क्लेम नहीं करोगे, ऑफिस बात, आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो ITC क्या क्लेम करोगे। अगर कंपोजिशन में है तो नो ITC, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए एक लिमिटेशन थी कि वो ITC नहीं ले पाएंगे। जो उन्होंने जो उन्होंने इनपुट टैक्स देकर आए उसे वो भूल जाए। और नॉर्मल में यस, आप ITC क्लेम कर सकते हैं। रिटर्न फाइलिंग की बात करें तो थ्रेशोल्ड वालों को कोई रिटर्न फाइल नहीं करनी, जबकि कंपोजिशन वालों को GSTR 4 और GSTR 9A एनुअली फाइल करनी पड़ेगी।
और एक सीएमपी है जो उनको क्वार्टरली फाइल करनी पड़ेगी, सीएमपी 8 एक क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा आपको। सीएमपी 8 एक स्टेटमेंट है आपके सेल का, और आपको टैक्स पेमेंट भी क्वार्टरली ही करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल स्कीम में हो तो आपको GSTR 1, 3 क्वार्टरली या मंथली फाइल करनी पड़ेगी, क्वार्टरली कुछ नोटिफाइड कैटेगरीज के लिए, बाकी उनके लिए मंथली। रूल 7 वो रेट्स की बात करते हैं जो मैंने आपको अभी ऊपर कहा था 156, तो यहाँ पे उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप पे 1% GST लगेगा, आप अपने टर्नओवर का 1% दे दो। अगर आप ट्रेडर हो तो आप 1% GST दोगे, लेकिन आप रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विस चलाते हो तो 5%। और अगर आप सेक्शन 2A यानी 10(2A) यानी सर्विस के सप्लायर हो, देखिए सर्विस पे GST कंपोजिशन स्कीम है, ये बात कहीं लिखी भी नहीं है। कहा यह गया है जो सेक्शन 10(1) में फॉल नहीं करते, यानी मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट एंड कैटरर वाले, वो 10(2A) में क्लेम कर सकते हैं, यानी बचे जो सर्विस वाले वो 6% GST देंगे अपने टर्नओवर के। या टर्नओवर का मतलब जिसपे GST लगेगा, टैक्सेबल मिल रेट और एग्जम्प्टेड सब आ जाएगा, यानी टैक्सेबल मिल रेट और एग्जम्प्टेड तीनों फिगर जोड़ेंगे आप और उस पूरे पे 1% GST दे देंगे। आप ये मत बोलिए ये मेरा गुड्स एग्जम्प्टेड है, ये नील रेट है। गवर्नमेंट बोलती है हमें कोई मतलब नहीं है, जीरो रेट है, क्या रेट है। आप अगर मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हो तो 1% GST दे दो और आराम करो। ट्रेडर के लिए टर्नओवर का मतलब ओनली टैक्सेबल सप्लाई, जबकि मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग वालों के लिए टर्नओवर का मतलब टैक्सेबल, मिल रेट और एग्जम्प्टेड तीनों आ गए। अगर आप मैन्युफैक्चरर या कैटरर हो रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग वाले, तो आपके लिए टर्नओवर का मतलब टैक्सेबल, मिल रेट और एग्जम्प्टेड तीनों को जोड़िए और उस पर 1% या 5%, अगर मैन्युफैक्चरर है तो 1%, रेस्टोरेंट कैटरिंग है तो 5% GST कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप ट्रेडर हो तो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई जो दे रहे हैं उसके ऊपर 1% GST कैलकुलेट कर लीजिए, और अगर आप सर्विस सप्लायर हो तो फिर टैक्सेबल, नील रेट और एग्जम्प्टेड तीनों जोड़ लीजिए। यानी सर्विस वाले, मैन्युफैक्चरर वाले और रेस्टोरेंट एंड कैटर वालों के लिए टर्नओवर का मतलब है टैक्सेबल, नील रेट और एग्जम्प्टेड। ये प्रैक्टिकल सम में आपके बहुत काम की बात है। स्पेशल कैटेगरी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनके लिए 75 लाख वाली लिमिट है। आंध्र प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। अब आता है एक सेक्शन 10। 10(1) आपको एक बात बोल, एग्रीगेट टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ये जो 1.5 करोड़ की टर्नओवर या 75 लाख या 50 लाख जो हम बोल रहे हैं, ये आप कब चेक करेंगे? आप दो टाइम चेक करेंगे इसको। क्या आपको इस साल कंपोजिशन स्कीम अलाउड है, ये देखने के लिए आपको अपने प्रीवियस ईयर की टर्नओवर देखनी पड़ेगी। अगर आप गुड्स के सप्लायर हो तो आपको प्रीवियस ईयर की टर्नओवर देखनी पड़ेगी। हाँ, एक बात और, आपको टैक्स जो देना है वो करंट ईयर की टर्नओवर पे देना है, तो करंट ईयर में भी आपके लिए रूल चलेगा साथ साथ कि आप ये लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे हो। अगर आप ये लिमिट क्रॉस कर रहे हो तो फिर आपको करंट ईयर में जब तक आप उस लिमिट के अंदर हो आप तब तक कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से GST देते रहिए। लेकिन अगर आपने एक बार लिमिट क्रॉस कर ली तो आप GST डिपार्टमेंट के कोई दामाद नहीं हो, जो आपको पूरा साल कंपोजिशन स्कीम चलता रहे। यानी आपको दोनों ईयर देखना है, आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो क्या करंट ईयर में, या प्रीवियस ईयर में देखोगे कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आप लिमिट क्रॉस कर रहे थे क्या। और अगर आप कंपोजिशन करंट ईयर में जब GST दोगे तो जब तक आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर हो इस साल, तब तक आप कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से रेट काटते रहिए। जैसे ही आपने लिमिट क्रॉस कर ली करंट ईयर में, मान लीजिए आपने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ तक तो आप 1.5 करोड़ के अंदर थे या 75 लाख के अंदर थे, अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हो,
तब तो आपको, तब तक आप 1% 5% या 6% के हिसाब से GST जमा करते रहिए, ITC भूल जाइए और डिटेल मेंटेन मत कीजिए। लेकिन अगर आपने इस साल अचानक लिमिट क्रॉस कर लिया अक्टूबर के बाद, तो आप फिर कंपोजिशन से नॉर्मल स्किल में अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे, आपसे कंपोजिशन स्कीम ओवर हो जाएगी। एक बात यहाँ पे है, ये 75 लाख वाली लिमिट किन के लिए? सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम थ्री, हिमाचल प्रदेश आसाम एंड जम्मू कश्मीर, इन तीन को छोड़ के बाकी सब स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए 75 लाख की लिमिट है। और बाकी सबके लिए, मतलब इंक्लूडिंग दिस थ्री ऑल अदर स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी को छोड़ के ऑल अदर स्टेट्स, बट इंक्लूडिंग दिस थ्री, इन तीन प्लस अदर स्टेट अपार्ट फ्रॉम स्पेशल कैटेगरी, सबके लिए 1.5 करोड़ की लिमिट। सर्विस के केस में सबके लिए 50 लाख की लिमिट। एक प्रोविजो है यहाँ पे, ये बात कही गई, सेक्शन 10(1) किन के लिए अप्लीकेबल है? मैंने पहले भी कहा था, सर्विस के लिए अलग से कोई डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ कि सर्विस कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं या नहीं, बट एक बात लिखी है कि सेक्शन 10(1) जो है वो मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और ट्रेडर के लिए अप्लीकेबल है। लेकिन सेक्शन 10(2) में जाकर ये बात कही गई, ये देखिए मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, सेक्शन 2 में जाके ये बात कही गई कि अलग से इनको छोड़ के बाकी जो सर्विस वाले बचे उनके लिए 50 लाख वाली लिमिट है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इफ ऑल्सो सेलिंग सर्विस, आप गुड्स तो बेच ही रहे हो, मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, आप गुड्स तो बेच ही रहे हो, आप रेस्टोरेंट कैटरिंग वाले हो तो आप गुड्स और सर्विस दोनों बेच रहे हो, तो आपके लिए कैसे मेंटेन की जाए? अगर आप मैन्युफैक्चरर ट्रेडर भी हो और आप गुड्स बेच रहे हो और थोड़ी बहुत सर्विस भी बेच रहे हो, तो आपके लिए एक प्रोविजो बनाया गया, सेकेंड प्रोविजो है। हाउएवर इफ ऑल्सो सेलिंग सर्विस देन टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ सप्लाई कैन ऑल्सो क्लेम स्कीम, तब भी आप ये स्कीम ले सकते हो। कितनी लिमिट तक? 10% ऑफ टर्नओवर या 5 लाख, विच एवर इज हायर। और ये लिमिट स्टेट वाइज है, एवरी स्टेट, हर स्टेट में आप ये देखोगे अलग अलग। उस पर्टिकुलर देखिए, आपके लिए 75 लाख 1.5 करोड़ की लिमिट तो है, प्लस आप सर्विस भी बेच रहे हो थोड़ा बहुत, आप मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या रेस्टोरेंट कैटरिंग हो तो आप थोड़ी, रेस्टोरेंट कैटरिंग वाले तो ऑब्वियसली सर्विस बेच ही रहे हैं, और आप मैन्युफैक्चरर ट्रेडर भी और आप थोड़ी बहुत सर्विस बेच रहे हो, तो आपके लिए सर्विस पे कितनी छूट है? जब तक 10% ऑफ द टर्नओवर या 5 लाख, विच एवर इज हायर, क्रॉस ना हो जाए, आप वहां तक सर्विस के लिए भी कंपोजिशन स्कीम फॉलो कर लो, 1% या 5% वाली क्राइटेरिया। जैसे ही आप वो लिमिट क्रॉस कर जाओ, आपके लिए RCM ही ओवर, आपके लिए उस सर्विस पे RCM ओवर, और उसके बाद अगर आप सर्विस कंटिन्यू कर जाते हो तो आपके लिए पूरी तरीके से कंपोजिशन, सॉरी RCM नहीं, कंपोजिशन था वो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ले ली, आप ओवरऑल 75 लाख के नीचे हो या 1.5 करोड़ के नीचे हो, लेकिन आप थोड़ी बहुत सर्विस बेचते हो, तो उस सर्विस पे भी आपकी कंपोजिशन स्कीम चलेगी, लेकिन उसके लिए एक लिमिट है। ये नहीं कि आप सर्विस 75 लाख की बेच दो या आप सर्विस 1.5 करोड़ की बेच दो, आपके लिए सर्विस की लिमिट है 10% ऑफ द टर्नओवर या 5 लाख, विच एवर इज हायर। और ये स्टेट वाइज देखना है, आपने एक स्टेट में क्रॉस की, एक स्टेट में क्रॉस नहीं की, आपकी 3-4 स्टेट में बिजनेस है, तो फिर वो अलग अलग स्टेट वाइज ये लिमिट पे आपको सर्विस पे कंपोजिशन स्कीम। सर मैंने ओवरऑल लिमिट क्रॉस नहीं की, लेकिन मैंने ये सेक्शन 10(1) की प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो जो है उसकी लिमिट क्रॉस कर दी, तो भी आपके लिए RCM ओवर, कंपोजिशन स्कीम ओवर हो जाए, ये बात ध्यान रखिए। तो इसीलिए अगर मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हैं तो आप ये देख लीजिए कि आपके ऊपर सर्विस की लिमिट भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए, न मेन लिमिट न सर्विस लिमिट। सेक्शन 2 बताता है आप एलिजिबिलिटी, आप कब कब कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो। इफ इन करेंट फाइनेंशियल ईयर लिमिट क्रॉस देन स्कीम विल बी विदड्रॉन,
मतलब जब तक आप करंट फाइनेंशियल ईयर में लिमिट के अंदर हो, मैंने पहले ही कहा था आप प्रीवियस ईयर में उस कंपोजिशन लिमिट के अंदर थे, आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना था, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं लेना था। लेकिन अगर आप जीएसटी देते हुए करंट ईयर में भी अगर अपनी लिमिट पार कर गए, जैसे ही लिमिट पार करेंगे आपको नॉर्मल स्कीम में अपने आप कन्वर्ट हो जाना। तो करंट फाइनेंशियल में अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो आपके लिए स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। नॉट एंगेज इन नॉन टैक्सेबल, आप नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बिजनेस नहीं कर रहे। नॉट इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, आप दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं कर रहे। नॉट एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आप नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, पान मसाला टोबैको एरेटेड वाटर इन गुड्स का बिजनेस कर रहे हो, विद इन द स्टेट भी कर रहे हो, फिर भी आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं। यानी ये 10-2 का एलिजिबिलिटी उल्टा बता रहे, आप कब कब एलिजिबल नहीं। सेकेंड प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली पैन नंबर होल इंडिया, अगर आपके होल इंडिया में पैन नंबर सेम है तो ही आपके लिए सेकेंड प्रोविजो है। अगर आपके अलग अलग स्टेट में पैन नंबर अलग अलग है, आपके बिजनेस के अलग अलग नाम से बिजनेस रजिस्टर्ड है, तो फिर आपके लिए सेकेंड प्रोविजो नहीं है। इन प्रीवियस ईयर टोटल बिन 50 या 75 लाख, वेदर ई कॉमर्स नॉन टैक्सेबल और एनीथिंग, अगर आप प्रीवियस ईयर में ये लिमिट क्रॉस कर गए हो तो इस साल आप रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में नहीं ले सकते। यानी ये हो सकता है मैं एक साल कंपोजिशन में हूँ और एक साल नहीं, फिर अगले साल कंपोजिशन में हूँ अगले साल नहीं, ये हो सकता है। ये एग्जैक्ट चलेगा, ये होता है। एक सेक्शन 10(3) भी है, इफ 75 या 150 लाख इन करेंट ईयर एनी लिमिट क्रॉस देन स्कीम विल नॉट बी एलिजिबल। सर मैं एक ऐसे स्टेट से भी बिजनेस कर रहा हूँ जो 150 लाख वाले कैटेगरी में आता है, और एक ऐसे स्टेट से भी बिजनेस कर रहा हूँ जो 75 लाख वाली कैटेगरी में आता है, यानी वो आंध्र प्रदेश हो सकता है, मणिपुर हो सकता है, मेघालय हो सकता है, मिजोरम हो सकता है, नागालैंड हो सकता है, सिक्किम हो सकता है। तो एक स्टेट ऐसा एक स्टेट वैसा। अब मैंने सपोज कीजिए मणिपुर में बिजनेस है, मैंने मणिपुर में 75 लाख की लिमिट क्रॉस कर दी, लेकिन ओवरऑल इंडिया 1.5 करोड़ कन्वर्ट नहीं क्रॉस नहीं किए तो भी स्कीम ओवर हो जाए। और मैंने मणिपुर में 75 लाख से कम की सेल की है लेकिन ऑल ओवर इंडिया 1.5 करोड़ क्रॉस कर गया तो भी स्कीम ओवर हो जाए। ये सेक्शन 10(3) में बात लिखी है। 10(2)(a) यानी वो सर्विस प्रोवाइडर के लिए बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर ट्रेडर या रेस्टोरेंट कैटरिंग को छोड़ के, इनकी भी बात कर रहा हूँ अगर इनकी सर्विस डोमिनेंट फैक्टर है और गुड्स कम डोमिनेंट है, और मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ जो सिर्फ सर्विस की बात कर रहे हैं, सिर्फ सर्विस बेचती, अगर वो 50 लाख की टर्नओवर क्रॉस नहीं कर रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो वो इस साल कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। सारे कंडीशन सेम है अपार्ट फ्रॉम वन नंबर कंडीशन को छोड़ के सब कुछ कंडीशन यहाँ पे सेम है। वन नंबर कंडीशन क्या लिखी है, इफ इन करेंट ईयर लिमिट क्रॉस देन स्कीम विल बी विड्रॉन। यहाँ पे मैंने जो पहली कंडीशन लिखी थी वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर ही देखना है, क्या बाकी सारी कंडीशन सेम। कुछ और भी कंडीशन है, सेक्शन 10(4) कहता है कैन नॉट पास ऑन टैक्स ऑन रिसिपिएंट, ये मैंने पहले भी कहा था इसकी बुराई है, लिमिटेशन है, आप अपने रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, ना आप ITC क्लेम कर सकते, और आप टैक्स इनवॉइस नहीं बिल ऑफ सप्लाई इशू करो, मतलब आपके बिल में टैक्सेबल डिटेल नहीं हो, GST की डिटेल आपके इनवॉइस में नहीं हो। सेक्शन 10(5) बोलता है लिमिट क्रॉस और नॉट एलिजिबल स्टिल क्लेमिंग देम पेनल्टी। सेक्शन 10(5) बोलता है अगर आपने लिमिट क्रॉस कर ली है या प्रीवियस ईयर में लिमिट क्रॉस की थी, इस साल आप एलिजिबल नहीं है, फिर भी आप कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हैं तो आप पे पेनल्टी लगेगी। टू मेंशन ऑन, अच्छा आपको अपने बिल पे ये हमेशा लिखना पड़ेगा कंपोजिशन स्कीम कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, आपको अपने इनवॉइस के ऊपर ये बात मेंशन करनी पड़ेगी कि आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, और अपने हर प्रेमाइसेस में हर बिजनेस ऑफिस गोडाउन शोरूम में ये बात लिखनी पड़ेगी कि आप कंपोजिशन वाले टैक्सेबल पर्सन है
आप जीएसटी नहीं काट सकते, ये बात आपको बिल्कुल मेंशन करनी पड़ेगी। प्रोसीड्योर फॉर कंपोजिशन स्कीम, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं तो जिस टाइम आप अप्लाई करो पहली बार जीएसटी के लिए, तभी आप आरईजी 01 फाइल करो। और इसमें पार्ट बी होता है, उस फॉर्म में आरईजी 01 में पार्ट बी होता है, आप उस पर टिक कर दो जहाँ पर यह मेंशन है कि आप कंपोजिशन स्कीम ले। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड पर्सन हो लेकिन पिछले साल आपकी लिमिट क्रॉस नहीं हुई थी, इस साल आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो नॉर्मल की जगह, तो आप सीएमपी 01 फाइल अप करो, दैट इज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम। आप इस साल लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे हो, आप इस साल लिमिट क्रॉस नहीं किया आपने, तो आप अगले साल कंपोजिशन स्कीम चाहते हो, तो आप सीएमपी 01 में एक इंटीमेशन फाइल करो। फॉर एनी वन स्टेट अप्लाई, आप किसी एक स्टेट से अप्लाई करोगे वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएगा। रूल नंबर 4 है इफेक्टिव डेट। अगर आप नॉन रजिस्टर्ड पर्सन हो तो जिस दिन आपने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए कंपोजिशन स्कीम के अंदर, आप कभी भी अप्लाई करोगे आपके लिए उस टाइम से एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन आप पहले से रजिस्टर्ड पर्सन थे तो आपको करंट ईयर में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप नेक्स्ट ईयर से कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हो, और नेक्स्ट ईयर के 1 अप्रैल से ही आप पे कंपोजिशन स्कीम अप्लाई हो जाएगी। यानी आप इस साल लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे हो 1.5 करोड़, 75 लाख या 50 लाख की, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर दो कि मैं नेक्स्ट ईयर से कंपोजिशन स्कीम लूँ, और आपके ऊपर 1 अप्रैल से वो वैलिड हो जाएगी। रूल 6 है वैलिडिटी ओवर लिमिट क्रॉस इंटीमेट अबाउट ऑप्टिंग आउट ऑफ द स्कीम सीएमपी 04 इन 7 डेज। अगर आपकी वैलिडिटी ओवर हो गई, आप लिमिट क्रॉस कर गए हो इस साल, तो तुरंत सीएमपी 04 भरिए, 7 दिन के अंदर डिपार्टमेंट को खबर कीजिए कि आपकी कंपोजिशन स्कीम आप छोड़ रहे हैं। कैन ऑल्सो आप वॉलेंट्रीली, आपको स्कीम ओवर नहीं हुई आपकी, आपने लिमिट क्रॉस नहीं की है, बट आप कंपोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हो, आप सीएमपी 04 भरिए कभी भी, एनी टाइम बिफोर विड्रॉवल, और ये खबर डिपार्टमेंट को कर दीजिए। रूल 62 फाइल स्टेटमेंट, हाँ ये बताता है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो फिर आपको क्या क्या नियम फॉलो करने। आप अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करोगे सीएमपी 08, वो जो स्टेटमेंट मैंने कहा था, आपकी सेल की डिटेल आप सीएमपी 08 भरोगे हर क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले महीने के अंदर 18 तारीख, यानी अप्रैल में जून का क्वार्टर खत्म हुआ तो जुलाई 18, जुलाई अगर सितंबर का क्वार्टर खत्म हुआ तो अक्टूबर 18 आप रिटर्न फाइल करोगे। आप एक GSTR 4 एनुअली फाइल करोगे हर साल खत्म होने के बाद 30 अप्रैल के अंदर, यानी अप्रैल 21 से मार्च 22 आपने बिजनेस किया तो अप्रैल 2022 30 अप्रैल 2022 के अंदर अंदर आप खबर कर दीजिए, आपकी GSTR 4 फाइल कर दीजिए, यह एनुअल रिटर्न है। और एक GSTR 9A भी भरना है आपको एनुअली, जिसका वही नियम है कि अगर आपका अप्रैल से मार्च बिजनेस हुआ है तो कमिंग दिसंबर के अंदर आपको GSTR 9A फाइल करना पड़ेगा। एग्रीगेट टर्नओवर फॉर एग्जम्पशन इंक्लूड थ्रेशोल्ड लिमिट आल्सो। एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब मैं ये लिमिट देखूंगा कि मैं कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूं कि नहीं, तब मैं, ऐसा नियम नहीं है कि मुझे 20 लाख तक छूट है तो मैं 20 लाख के बाद से देखना चालू करूं मैंने 1.5 करोड़ या 75 लाख या 50 लाख क्रॉस किया है कि नहीं। ये 20 लाख भी इसमें इंक्लूडेड हो जब मैं थ्रेशोल्ड लिमिट चेक कर रहा हूँ अपनी कंपोजिशन स्कीम, तो मैं ये 20 लाख इंक्लूड करूँगा। मैंने 20 लाख तक की सेल कर दी, अब उसके बाद और 1.5 करोड़ नहीं है, यानी 20 लाख प्लस 130 लाख, अगर 1.5 करोड़ की लिमिट है तो, अगर 75 लाख की लिमिट है तो 20 लाख प्लस और 55 लाख, और अगर 50 लाख वाली लिमिट है सर्विस वाली 10-2 तो 20 लाख और 30 लाख यानी टोटल 50 लाख वो 20, यानी थ्रेशोल्ड लिमिट में थ्रेशोल्ड लिमिट को भी इंक्लूड करके देखूंगा कंपोजिशन स्कीम की लिमिट पार करूंगी। लेकिन जब टैक्स कैलकुलेट करूंगा और पेमेंट करूंगा करेंट ईयर में, तो थ्रेशोल्ड लिमिट को छोड़ के जो बैलेंस बचेगा उस पर जीएसटी में। आई रिपीट, जब मैं टर्नओवर इन स्टेट कैलकुलेट करूंगा, यानी जब मैं पेमेंट के लिए जीएसटी का फिगर कैलकुलेट करूंगा, टोटल टर्नओवर कैलकुलेट करूंगा, तब मैं थ्रेशोल्ड लिमिट छोड़ के, मान लीजिए मैंने 150 लाख की सेल की है इस साल अब तक, तो मैं
20 लाख छोड़ के 130 लाख पे GSTR भरूंगा अगर 10-1 में हूँ, और अगर 10-2 में हूँ तो मान लीजिए मैंने 50 लाख की टर्नओवर की है तो मैं 10-2 के अंदर हूँ। करंट ईयर में मैंने 50 लाख क्रॉस नहीं की है तो मैं 30 लाख पे वो 16% GST भरूंगा। अगर 10-1 में हूँ तो 1 या 5 जो भी परसेंट मेरे ऊपर एप्लीकेबल है, मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर तो 1% और रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग है तो 5%। अगर मैं लिमिट में हूँ मैं कैसे देखूंगा, लिमिट चेक करते वक्त मैं ये देखूंगा कि क्या मैं थ्रेशोल्ड लिमिट लेके क्रॉस कर गया हूँ कि नहीं, लेकिन टैक्स देते वक्त थ्रेशोल्ड लिमिट को छोड़ के जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा मेरा टर्नओवर का उस पर GST जमा करूंगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी सम्स कैलकुलेटिंग के लिए। आखिरी कुछ छोटी छोटी बातें और 5 मिनट और टॉपिक खत्म है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग कराए या लोन पे इंटरेस्ट कमाए या डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कमाए, ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई मानी जाएगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 152 लाख है, प्रीवियस फाइनल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 152 लाख है, जिसमें 3 लाख का एक इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट भी है, तो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर देखते वक्त मैं इंटरेस्ट ऑन लोन को एक्सक्लूड करके चेक करूँ तो 152 लाख, 152 लाख, 1,52,00,000 मेरी टर्नओवर है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। आपको लगेगा ये तो कंपोजिट स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का अगर फिगर है उसमें 3 लाख माइनस करूं तो फिगर आता है 149 लाख, तो मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हूँ। एक और एग्जांपल, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर मेरी 155 लाख है करंट फाइनेंशियल ईयर की, ये तो स्कीम मेरे पर एप्लीकेबल है कि इसके लिए मैंने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देखा था। अब करंट फाइनेंशियल ईयर में मेरी 155 लाख एग्रीगेट टर्नओवर है, मैं लिमिट क्रॉस कर गया, मेरी कंपोजिशन स्कीम ओवर हो जानी चाहिए, लेकिन उसमें 10 लाख का इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट की इनकम है, तो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर हो रही है 145 लाख, अभी भी मैं एलिजिबल हूँ, मैं कंपोजिशन स्कीम में कंटिन्यू करता रहूँ, मैं 1%, 5% या 6% पे GST जमा करता रहूँ। टर्नओवर इन स्टेट फॉर GST कैलकुलेशन, एक और ये सारे गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशंस है, हम ये जो भी अभी पढ़ रहे हैं इस लास्ट पेज में ये सब की सब गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशंस है अलग से। सपोज अ मैन्युफैक्चरर इन फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स उसकी 20 लाख है एंड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस उसकी 2 लाख है और इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड सेल भी उसकी 1 लाख है और इंटरेस्ट ऑन लोन या डिपॉजिट उसकी 0.5 लाख, तो वो GST किस पे जमा करेगा, GST की फिगर किस पे कैलकुलेट होगी, 20 लाख की गुड्स, 2 लाख की टैक्सेबल सर्विस 22 लाख और 1 लाख की एग्जेम्प्टेड सर्विस, ये तीनों जोड़ लेंगे हम, मेरी ये इंटरेस्ट ऑन लोन को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो मेरी 20+2+1 23 लाख की सर्विस हो रही है, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो 23 लाख को 1% GST जमा करूँगा। वो जो मार्जिनल लिमिट वाले बात थी प्रोविजो 2 जो थी उसके बारे में भी बात करते हैं। मान लो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मेरी टर्नओवर ऑफ महाराष्ट्र 80 लाख है इंक्लूडिंग 7 लाख, सो मार्जिनल लिमिट इज 73 लाख, ये मेरी टर्नओवर इन महाराष्ट्र 80 लाख है उसमें से 7 लाख मेरी इंक्लूडिंग है क्या चीज की, वही जो ऊपर बात करते हुए आ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन या डिपॉजिट, तो मैं मार्जिनल लिमिट क्या देखूंगा, मार्जिनल लिमिट का रूल क्या था 10%। देखिए मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मेरी सर्विस भी बिक रही है तो मेरे पे प्रोविजो 2 एप्लीकेबल होगी, वो 10% ऑफ टर्नओवर या 5 लाख विच एवर इज हायर। तो यह देखिए मैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, ये दो एग्जाम्पल आपस में कनेक्टेड है ठीक से समझिएगा। मेरी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 80 लाख की टर्नओवर है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के लिए 1.5 करोड़ होगी, जिसमें 7 लाख का इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इंक्लूडेड है या इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूडेड है, तो मेरी मार्जिनल लिमिट कितनी होगी, 80 लाख माइनस 7 लाख 73 लाख, तो मैं देखूंगा 73 लाख का 10% ऑफ 5 लाख विच एवर इज हायर, तो 7.3 लाख
मेरी मार्जिनल लिमिट है, यानी अगले साल यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में, अब क्योंकि ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मैंने अपनी लिमिट चेक की है, अब करंट फाइनेंशियल ईयर में मैं जो सर्विस दे रहा हूँ, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ या ट्रेडर हूँ या रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस वाला हूँ, और मैं जो सर्विस दे रहा हूँ इसको कहते हैं मार्जिनल लिमिट। ये जो गुड्स वाले को सर्विस पे भी थोड़ी छूट मिल रही है, मेरी लिमिट है 7.3 लाख, तो मैं पिछले साल चेक करूंगा 7.3 लाख और अब करंट ईयर में इसको अप्लाई करूंगा, यानी करंट ईयर में मैं 7.3 लाख की सर्विस बेचता हूँ एज अ मैन्युफैक्चरर, मैं सर्विस बेच रहा हूँ 7.3 लाख की, तब तक मेरे लिए कंपोजिशन स्कीम है और उसके बाद विड्रॉ हो जाएगी। तो अब नाउ इन करंट फाइनेंशियल ईयर सप्लाई ऑफ सर्विस मान लो मेरी 9 लाख हो रही है टिल सेप्टेम्बर, एंड सप्लाई ऑफ गुड्स मेरी 75 लाख हो रही है, एंड सप्लाई ऑफ सर्विस इंक्लूड्स 2 लाख, सर्विस में 2 लाख का इंटरेस्ट भी है। तो देखी जाए तो मेरे लिए एलिजिबल लिमिट सर्विस बेचने की 7.3 लाख थी और मैं 9 लाख की सर्विस बेच रहा हूँ। आपको लगेगा लिमिट क्रॉस, गुड्स वाला हूँ सर्विस बेच रहा हूँ, दोनों लिमिट देखनी पड़ेगी, मैं मार्जिनल लिमिट क्रॉस कर जाऊँ तो भी मेरी कंपोजिशन स्कीम ओवर हो जाएगी, और मैं मेन लिमिट थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ कंपोजिशन भी क्रॉस कर जाऊँ तो भी मेरी कंपोजिशन स्कीम ओवर हो जाएगी। तो आपको लग रहा है ओवर हो गया, लेकिन नहीं सर, बच गया, क्योंकि 9 लाख में 2 लाख तो इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कमाया हुआ है उसको, तो अभी भी 7 लाख की सर्विस मैंने बेची है। तो ये 7.3 लाख प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट की और मैं करंट ईयर में देख रहा हूँ मैं ये लिमिट पार तो नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अभी भी कंपोजिशन स्कीम से बाहर नहीं हूँ, क्योंकि टिल सेप्टेम्बर मेरी 75 लाख की गुड्स की सेल है करंट ईयर में, और 9-2 यानी 7 लाख की मेरी मार्जिनल लिमिट है सर्विस की सेल की सेकेंड प्रोविजो वाली, तो मेरी 82 लाख की टर्नओवर है, मैं 82 लाख पे ही GST 1% भरूंगा क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। तो मेरी मार्जिनल लिमिट 7 लाख ही यूज हुई अब तक, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ कंपोजिशन स्कीम। तो पिछले साल मार्जिनल लिमिट चेक कीजिए सर्विस की और इस साल अप्लाई कीजिए, और बाकी की केस में नॉर्मल अगर गुड्स का ही काम करता तो प्रीवियस ईयर में लिमिट चेक कीजिए और देखिए करंट ईयर में भी वो लिमिट क्रॉस हो, जिस दिन क्रॉस हो जाए करंट ईयर में आपकी कंपोजिशन स्कीम होगा, और नॉर्मल केवल सर्विस बेचने वालों के लिए वो लिमिट 50 लाख। तो ये था कंपोजिशन लेवी या कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन।